सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन देवी की आराधना करने से घर में सुख समृद्धि आती है। शुक्रवार के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से घर की परेशानियां दूर होती है और धन संबंधी दिक्कतें भी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए कुछ ऐसे ही चमत्कारी उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें कर आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं। पहला उपाय है, शुक्रवार के दिन सफेद रंग के कपड़े पहनकर माँ लक्ष्मी के चित्र के सामने श्री सूक्त का पाठ करें और देवी को कमल का फूल अर्पित करें। घर में सुख समृद्धि आएगी। दूसरा उपाय है, शुक्रवार के दिन पीले कपड़े में 5 पीली कौड़ी और थोड़ी सी केसर एक चांदी के सिक्के के साथ बांधकर अपनी तिजोरी में रख दे। इससे कुछ ही दिनों में घर में धन आने लगता है और पुराने कर्जों से भी छुटकारा मिलता है। तीसरा उपाय है, पति पत्नी में तनाव दूर करने हेतु इसके लिए शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी जोड़े की तस्वीर लगाए। इससे प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। अगर काम में रुकावट आ रही हो तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें। इसके साथ ही इस दिन घर से काम निकलते समय थोड़ा सा मीठा दही खाकर निकलें। अगले उपाय के तौर पर आपको बता दें, अगर आपके घर के पास में ही पीपल का पेड़ हो तो ये उपाय बहुत ही कारगर है। आपको शुक्रवार के दिन लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में डालना है। ऐसा करने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में शंख, कौड़ी, कमल, मखाना और बताशा अर्पित करने से संपत्ति और संतान की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी माता सौभाग्य के साथ स्वास्थ्य प्रदान करती है। कहते हैं कि घर में किसी भी समय लक्ष्मी जी आ सकती हैं, लेकिन शाम का समय ऐसा होता है कि जिस समय लक्ष्मी जी का आना संभव होता है, इसलिए शाम के समय सारे घर की लाइट जलाकर पूरे घर में रोशनी रखनी चाहिए। शुक्रवार के दिन सुबह के समय गौ माता को ताजी रोटी खिलानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखेंगी। अंतिम उपाय के तौर पर आपको बता दें कि शुक्रवार के दिन उस जगह जाएं जहां मोर नृत्य करते हैं और उसके बाद वहां की मिट्टी लाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पवित्र जगह में रख दें और उसकी रोज पूजा करें, धन लाभ होगा। तो दोस्तों, ये तो थे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ उपाय। इसके अलावा आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इस दिन घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी पूजा करें। श्वेत चंदन का तिलक जरूर करें। इस दिन पानी में चंदन मिलाकर स्नान करने से मन शांत और शरीर ऊर्जावान रहता है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।